तो अगर यहाँ का तो कल देखा जाए तो बहुत कम था, बट जोमेटो का कल बाजी अच्छी थी जोमेटो की, तो जोमेटो अच्छा रन किया कल। दोस्तों अभी आज कंपनी के खाने तो हैं नहीं, बट यहाँ पे कस्टमर अभी आने चालू हो गए हैं, आप देख सकते हो। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रदीप, मेरे भागी ढाबा चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। और आज संडे का दिन है, और संडे का दिन तो छुट्टी का होता है। आप देख सकते हो उधर कोई चहल पहल नहीं है ड्यूटी वालों की, बस थोड़ी बहुत है, ठीक है। और स्टूडेंट वगैरह जाते हैं वो भी नहीं है आज, बच्चे वगैरह, ठीक है। तो आज तो दिखाते हैं कि कैसा रहता है काम धाम अपना दिन का। कल का तो काम धाम डाउन ही था, कल शनिवार था तो इसलिए काम भी बहुत ज़्यादा डाउन था। और आज का दिन देखते हैं कैसा रहता है संडे का दिन। बने रहिएगा वीडियो के एंड में, जरूर दिखाएंगे आपको कि आज कितना खर्चा हुआ, कितनी सैलरी हुई, कितनी मेरी इनकम हुई है। तो भाई अभी ले आने चल रहे हैं पानी, आप देख सकते हो होटल के लिए दो बोतल लगा ली है मैंने। पानी आवारा कभी आ जाता है, कभी आता नहीं है, तो पानी लेने चले। उसके बाद जाएंगे मंडी में, आज मंडी में काफ़ी सामान लेना है क्योंकि कल लेके नहीं आए थे। तो भाई हम पानी लाने के बाद पहुंच चुके हैं मंडी में, और देख आप देख सकते हो मंडी में आ चुके हैं भाई। यहाँ तो जाम लगा हुआ है। नींबू क्या रेट है? 2 किलो नींबू दे दो, 2.5 किलो। यार ये तो ज़्यादा ही लूज है कुछ। लूज कहाँ है हमारा, सही तो है यार। तो डाल दे 2.5 किलो डाल दे यार। अदरक है? वाली दोनों बता दे, ये वाले बता दे, वो वाली तो 150 रुपये। लो भाई यहाँ से हमने नींबू ले लिए हैं 2.5 किलो, और अदरक ले ली है। अदरक ये नए वाली अदरक लेता हूँ, ये ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है, तो 1/2 किलो ही अदरक ली है। तो अदरक ले लिया यहाँ से, और नींबू ले लिया, और अभी चलेंगे आगे टमाटर लेने। तो टमाटर देखते हैं क्या रेट है। 5.5 किलो दे दो। गोभी क्या रेट है? गोभी गोभी 300 रुपये, बढ़िया गोभी। क्या रेट है? 150 रुपये किलो। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। गोभी क्या रेट है? गोभी गोभी 350। चलो आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। भाई धनिया क्या रेट है? धनिया धनिया 1 किलो दे दो। और पालक है? दो पेड़ फर्क है। और पालक पालक है 1 किलो, 1 किलो करना। पालक कितने की है? 4 रुपये गड्डी, 8 गड्डी कर दो, इसमें मत डालना है। 10 कर दे। हरी मिर्च क्या रेट है? 60 रुपये किलो। किलो किलो क्या? 50। 2 किलो। तो भाई आप देख सकते हो हर दुकान पे अलग रेट है सब्जियों का। यहाँ पे हरी मिर्च ली है 50 रुपये किलो, पीछे थी 60, और गोभी भी आपने देखी दूध, एक रेडी पे 300, एक रेडी पे 350। पानी, हाँ पानी। 5 किलो चावल दे दो अंकल। बिस्कुट खाएगी? नहीं खाएगी अंकल आज। 10 लग गए इसको आज सुबह, अब बार बार 10 कर रही है। पानी चेंज हुआ है, यहाँ रहे हैं ना अभी। वहाँ अलग था, यहाँ अलग है, पानी भी डिफरेंट डिफरेंट है ना, प्लांट वाइज चेंज हो जाए पानी तो। एक गिलास दे दे बस, थोड़ी ना प्यास लग रही है यार, पानी पी लें। देख
5 किलो चावल दे दे और एक किलो कस्तूरी मेथी। तो भाई अभी दिन का काम चालू हो चुका है और आप देख सकते हो आज संडे है तो आज ज़्यादा चहल पहल है नहीं होटल पे भी, क्योंकि संडे के दिन लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं क्या क्या बनाते हैं और अपना तो सीधा तवा रोटी का सादा खाना है। तो अभी आप देख सकते हो अभी भी दिन का काम है, ज़्यादा हाईफाई था नहीं, ठीक ठाक ही था। अभी काम चल रहा है, कोई बर्तन धो रहा है तो कोई सब्जी बना रहा है, कोई रोटी बना रहा है, तो कुछ खाने के लिए बैठे हैं अंदर, उनके लिए सब्जी बनाई जा रही है फिलहाल। ठीक है, तो ऐसे चल रहा है काम। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 5 और अपनी तैयारी वारी हो चुकी है, अभी शाम वाली चाय बना रहे हैं फिलहाल, आप देख सकते हो उधर आटा लग रहा है और यहाँ पे अभी चाय पियेंगे। और ये भाई हसमुख है, ठीक है आप देख सकते हो हसमुख है, ये बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी को छोड़ के आया है बिहार में काम करने यहाँ पे, तो ये वीडियो हो सकता है इसकी बीवी देखेगी। तो दोस्तों अभी आज कंपनी के खाने तो हैं नहीं, बट यहाँ पे कस्टमर अभी आने चालू हो गए हैं आप देख सकते हो, तो आप ये कर रहे हैं, आप पेंट कर रहे हैं इस पे टाटी पे, ये अच्छी ना लग रही थी, तो पेंट करने के बाद ये और अच्छी लग जाएगी, अब लुक इसका बढ़िया बनाने वाले हैं थोड़े दिन में सजा के होटल को। तो भाई अभी हमने पेंट कर दिया है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखो कैसा लग रहा है बताऊँ वीडियो में, देखो सामने, और कल ये सामने जो बच गई है इस पर भी करेंगे पेंट और इधर वाली पे भी करेंगे पेंट और इसको सजाएंगे लाइट वाइट लगा के, फिर बताना आपको कैसा लगेगा हमारा ढाबा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग, हम पहुंच चुके हैं वीडियो के एंड में और बात करने वाले हैं आज के जो जिसके इंतजार होता है आप सभी लोगों को कि आज का हमारा जो होटल है उसका सेल कितनी हुई है और कितना परसेंट खर्चा हुआ है और कितना परसेंट अपना कमाई हुई है उसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर बात करते हैं तो कल का संडे था, संडे का दिन था, तो संडे का दिन और दिनों की अपेक्षा कम रहता है, किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है और लगभग कम ही रहता है, तो कल भी वैसा ही था, कल और संडों से संडे थे उनसे भी कम थी सेल कल। बट अच्छी बात यह है कि हमारे होटल पे 2-3 सोर्स हैं इनकम के सेल होने के, तो पहला तो अपना जो होटल पे जो कस्टमर आते हैं वही, दूसरा अपना स्विगी है, तीसरा अपना जोमेटो है और चौथा अपना जो डिलीवरी जाती है इधर उधर कंपनियों में इधर उधर जाती है वो है। तो अगर यहाँ का तो कल देखा जाए तो बहुत कम था, बट जोमेटो का कल बाजी अच्छी थी जोमेटो की, तो जोमेटो ने अच्छा रिवेंट किया कल। तो अगर टोटल सेल की करते हैं तो टोटल सेल में से अगर खर्चे की बात करते हैं तो खर्चा ज़्यादा था कल, 38% खर्चा निकल के आया कल का, ठीक है 38% में से अगर उसकी बात की जाए सेल में, अगर फिक्स खर्चे की बात की जाए, ये तो था अपना मूवेबल खर्चा जो डेली आटा वाटा आता है वो था, और फिक्स खर्चा हुआ है जो अपनी सैलरी है और किराया रेंट वेंट है वो है, तो वो फिक्स खर्चा अगर बात करते हैं तो टोटल सेल अगर कम होगी तो फिक्स खर्चे की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है, तो वो 28% आई है अपनी, ठीक है 28 और 38 कितना हो गया 50 और 66% हो गया, 66 में से जो बाकी बस दी है वो अपनी कमाई है, 34% की अपनी जो निकल के आई है कमाई निकल के आई है, ठीक है इस तरीके से 100% अगर होती है तो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन डेली का होता है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, मेरी दी गई जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो आपको मिल, तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट।